सत्यमेव जयते दोस्तों। तो जैसा कि दो तीन दिन से मैं न्यूज एक ही न्यूज देख रहा हूं और ये न्यूज देख के मैं पक चुका हूं कि एसआरके का लड़का ड्रग्स लेके पकड़ा गया, ड्रग्स लेते हुए पकड़ा गया, रेव पार्टी में पकड़ा गया। एसआरके का लड़का आर्यन खान, 23 साल की उम्र, मतलब यूथ, पूरा यूथ, उसको आर्यन खान इज इक्वल टू पूरा यूथ वो कर दिया है, ठीक है। और ये वीडियो से मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा कि शुभम मिश्रा वो भीड़ में, वो भेड़ बकरी की चाल नहीं चलता कि इधर एक भीड़ जा रही है तो अपने पीछे लग जाओ, खुद का ओपिनियन गया गांड में, ऐसा नहीं है। इसीलिए कितने लोग अपने से जलते हैं और कितने लोग अपने को दबाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, यही चीज की वजह से। मैं चाहता हूं मेरा जितने भी यूथ 50,000 लोग भी अगर मुझे फॉलो करते हैं ना, तो वो लोग भी ये चीज सीखे और ये चीज समझे, मेरी बात को समझे ये वीडियो के थ्रू, कि आप लोगों को भीड़ में नहीं लगना है, ठीक है। आपको जो दिखाया जा रहा है, आप किसी के फेम का हिस्सा, कमाने के हिस्सा मत बनो आप, ठीक है, क्योंकि इन लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे यूथ से। जबकि ये मौका है कि बड़े बड़े क्रिएटर्स वैसे तो बहुत ज्ञान चोदते हैं, ये मौका है ये टाइम पे मजाक उड़ाने की जगह, ये सब बकचोदी करने की जगह, किसी का नाम यूज करके अपने व्यूज बढ़ाने की जगह, एक सोशल मैसेज पहुंचाए लोगों तक और अपने यूथ तक, क्योंकि इनको बदलाव नहीं लाना ये न्यूज दिखा के कि भाई अगर तुम ड्रग्स करोगे तो तुम्हारी ये हालत होगी, ये नहीं दिखाना। क्योंकि यहाँ पे 90% यूथ ड्रग्स लेता है, ये सबको पता है, आपके आसपास आपने बहुत देखा होगा ऐसा। पर वो लोग कोई सेलिब्रिटी के बच्चे नहीं है ना जिनका न्यूज ऐसा वो नेशनल न्यूज बन जाए, वो नॉर्मल है, उनसे क्या लेना देना, वो ड्रग्स ले लेके मर जाए, अपने घर वालों को बर्बाद कर दे, हाँ खुद की लाइफ बर्बाद कर दे, इनको क्या फर्क पड़ता है। पर मेरे को फर्क पड़ता है कि मेरे जो छोटे छोटे भाई बहन जो बर्बाद हो रहे हैं ना ये ड्रग्स लेने के चक्कर में, तो इसलिए ये वीडियो बना रहा हूं मैं। और जिस दिन ये चीज, मतलब बदलाव लाने के लिए लोग अपना काम करना चालू करेंगे, ना कि फेम कमाने के लिए, तब बदलाव आएगा, तब असली चेंज आएगा और तब ये सब चीजें बंद होगी। आज देखो तुम वीड, चरस, गांजा, तो ये सब तो नॉर्मल यार, ड्रैग यार, यू हैव स्टफ, हाँ पोर इट इन माई एस, ये चल रहा है एकदम। बच्चे 15-16 साल के बच्चे, सोचो, स्नैप पे वीडियोस डाल रहे, पर ये न्यूज में नहीं आएगा भाई, समझ रहे हो। क्यों, एसआरके का लड़का नहीं है ना। तो मेन अगर तुमको करना है ना काम, जितने भी मीडिया वाले, जितने भी पेजेस है और जितने भी बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं, उनको भी बोलना चाहूंगा कि ये मौका है हमारे यूथ के लिए कुछ मैसेज देने का, ठीक है, ना कि वो चीज से व्यूज कमाने का, उस चीज का मजाक बना के लोगों को हंसाना अच्छी बात है, पर कोई मैसेज तो दो साथ में। तो जितने भी यूथ अगर मुझे देखता है ना, भाई लोग और बहन लोग, जितने भी लोग हैं मेरे छोटे भाई बहन लोग, प्लीज आप जो ये करते हो ना, क्योंकि ये इसका असर क्या क्या होता है मैं आपको बताता हूं। जो आपकी नॉर्मल जिंदगी, जो लोग बताते हैं ना कि यार वीड मारने के बाद तो ऐसा लगता है यार, ड्रग्स वो ऐसा एक बार खींच लिया तो बहुत एकदम फ्लाइंग इन द स्काई वाली फीलिंग आती, सारे टेंशन दूर हो जाते, ऐसा कुछ नहीं है भाई, समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम अपनी जिंदगी खुद से बर्बाद कर रहे हो, क्योंकि ये चीज करने के बाद तुमको ना खुशी फील होगी ना गम फील होगा। तो ये जो फीलिंग लेस बनना चाहते हो तुम, कि कल को अगर तुम्हारी कल बर्थडे है तो वो बर्थडे की कैसी एक्साइटमेंट होती नॉर्मल लोगों को, हाँ कल मेरा बर्थडे, हाँ कल तो मैं यहां जाऊंगा, नहीं होती वो गांजा मारने के बाद, हाँ वो लाइन खींचने के बाद नहीं होती भाई, ये सब फीलिंग चली जाती है। कोई चीज में जीतते हो ऐसा खुशी होती है, हाँ प्राउड मोमेंट, नहीं होता, नॉर्मल। मां बाप के लिए फीलिंग नहीं रहती, भाई बहन के लिए फीलिंग नहीं रहती, फीलिंग लेस हो जाते हो। ऐसे जिंदगी बितानी है तुमको पूरी, कि तुम पीछे मुड़ के देखो तो बोले बहन चो, ये तो कोरा कागज है, इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं मैंने, एकदम सन्नाटा, मार मूर के एकदम सन्नाटा हो गया था मैं तो, पिछले कितने साल मैंने बर्बाद कर दिए, जवानी चली जाएगी पता भी नहीं चलेगा, समझ रहे हो, एक उम्र के बाद खटला पकड़ लोगे तुम लोग। तो प्लीज ये चीज पे, और जितने भी मीडिया इस पे, खाली एक चीज पे ना, सारे यूथ पे फोकस करो, कितने लोग ले रहे। सरकार से भी बोलना चाहूंगा कि तुम्हारा अगर कड़क ये सही में कानून कायदा बने ना, तो ये सब मिलना ही बंद हो जाए। ये आता कहां से, ये वाइट और ये सब कहां से आता है, ये बहुत बड़ी गेम है, पर ठीक है इसको आगे एक्सपोज करेंगे अपने। पर ये आज का मैसेज कि तुम लोग भीड़ में मत लगो भाई लोग, बहन लोग, ठीक है, आर्यन खान, आर्यन खान, आर्यन खान, उसको छोड़ो, तुम्हारे आसपास है ना उनको सुधारो और खुद सुधरो। सत्यमेव जयते, लव यू ऑल।
Yeah.